और आप देख रहे हैं सुनो कहानी का एक और नया एपिसोड। हम बात कर रहे हैं कथक की, कथक। जी हाँ, इसका सही प्रोनंसिएशन कथक है, ना कि कथक, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कथक कहते सुना है, तो इसका नाम है कथक, ना कि कथक। और दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कथक और कथकली दोनों एक ही डांस फॉर्म है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कथक जो है उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, और जो कथकली है वो दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग शास्त्रीय नृत्य हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कथक और कथकली दोनों एक ही हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट, जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, और मैंने देखा है कि इस बात को लेकर लोग बहुत जिज्ञासु हैं कि कथक नृत्य सीखने की सही उम्र क्या है, या किस उम्र से वो कथक सीखना शुरू कर सकते हैं। तो कथक सीखने की सही उम्र तो आप कभी भी सीख सकते हैं, सीधी सी बात है, इफ़ यू कैन वॉक यू कैन डांस फॉर श्योर। और सही उम्र आरंभ करने की क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि 5 वर्ष से ऊपर यदि आप हैं तो आप कथक नृत्य की विधिवत शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल, इस नृत्य को सीखने में समय लगता है, ये कोई 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर का कोर्स नहीं होता है। इसको सीखने के लिए आपको सिर्फ बेसिक्स करने के लिए 4-5 साल चाहिए, और फिर एडवांस करने के लिए 4-5 साल और चाहिए, और फिर एक अच्छी सॉलिड ठोस क्लासिकल ट्रेनिंग 8-10 साल की होने के पश्चात आप कथक में खुद को टटोलने लगते हैं और एक डांसर के रूप में धीरे धीरे उभरने लगते हैं। एक और खास बात, आजकल सब जगह स्पेशली सोशल मीडिया पे बॉलीवुड कथक के नाम से आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, जिसमें डांसर्स होते हैं वो बैठे होते हैं और कुछ हैंड मूवमेंट्स कर रहे होते हैं किसी बॉलीवुड सॉन्ग पर, और उसके लिए टैग कर रखा होता है बॉलीवुड कथक। तो बॉलीवुड कथक जैसी तो कोई विधा नहीं है, कथक एक अलग विधा है, शास्त्रीय नृत्य है, जिसका बॉलीवुड कथक या बॉलीवुड से कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल जुदा है। इनफैक्ट आप कथक का जो स्वरूप आज बॉलीवुड में अगर देखते हैं, जिससे आप कथक को रिलेट करते हैं, तो वो भी कथक नहीं है। महज हैंड मूवमेंट्स कॉपी कर लेने से कथक कथक नहीं हो जाता, इसको सीखने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ता है, यू कैन नॉट कॉपी इट। और दूसरी बात, अगर आप सही में कथक से जुड़ना चाहते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू दैट यू प्लीज़ गो एंड वॉच कथक कॉन्सर्ट्स, कथक परफॉर्मेंसेस, कथक वर्कशॉप्स, कथक लेक्चर्स, कभी किसी कथक गुरु की क्लास में पहुंच जाएं और कथक का जो सही रस है उसको पकड़ें, उसका आनंद लें। मेरी गुरु जी पंडिता प्रेरणा श्रीमाली जी एक बात कहती हैं कि बॉलीवुड अपने आप में एक अलग विधा है, वैसे ही कथक अपने आप में एक अलग विधा है, बॉलीवुड डांस एक अलग स्टाइल बन चुका है। बॉलीवुड में जनरली हम देखते हैं कि जितने भी डांस फॉर्म्स हैं ओरिजिनल, चाहे वो फोक हो, ट्राइबल हो, मॉडर्न हो, कंटेम्प्रेरी हो, इनफैक्ट वेस्टर्न हो, स्ट्रीट डांसेस हो, इन सब की एक झलक ले ली जाती है, जिसको आप बॉलीवुड स्टाइल में आप फ्यूज़ करके उसको कोरियोग्राफ करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, जो कि हम सभी को बहुत लुभावना लगता है और वो मूवीज़ में अच्छा भी लगता है। बट उस पर्टिकुलर डांस फॉर्म का उसके ओरिजिनल फॉर्म से सीधा कोई संबंध नहीं होता। इसी प्रकार जो कथक डांस फॉर्म है, उसको जब आप बॉलीवुड में जब उसको पोर्ट्रे किया जाता है, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि इसमें जो जिस तरह से कथक को दिखाया जा रहा है ये उसका असल स्वरूप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कथक का असल स्वरूप बहुत ज़्यादा जुदा है, उसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है, और वो बहुत ही इंटेंस, बहुत ही गंभीर क्लासिकल डांस फॉर्म तो है ही। यह डांस फॉर्म आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, आत्मरंजन के लिए है।